अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम स्क्रीनशॉट को डिस्कस करेंगे। हम लैपटॉप में मुख्तलिफ तरीकों से स्क्रीनशॉट लेते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर, वो कैसे करेंगे आइए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और हम डिफरेंट वेज से स्क्रीनशॉट को लेना सीखते हैं। तो देखें, सिंपल तरीका है, आपने अपने आप किसी भी पीसी पे हैं या अपने डेस्कटॉप पर हैं या लैपटॉप पर हैं, आपको कीबोर्ड के ऊपर एक F12 के बराबर में ज़्यादातर प्रिंट स्क्रीन का बटन नज़र आ रहा होता है, PRTSCR, वो आपने सिंपल प्रेस करना है। तो होता तो कुछ भी नहीं है, आप जहाँ भी उस पर मौजूद होते हैं होता कुछ भी नहीं है, लेकिन वो प्रिंट स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। उसको आपने सिर्फ क्या करना है, इसको आपने प्रिंट कर लिया, बटन दबा लिया, तो आपने किसी भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसे कि मैं पेंट में चले जाता हूँ, वहाँ जाके आप कंट्रोल वी करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट ले लिया गया था और वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। एक बार और करके देखते हैं, जैसे मैं किसी यहाँ सॉफ्टवेयर के ऊपर था, मैंने ये किया और सिंपल मैंने प्रिंट दबाया, मैं इसके ऊपर गया, पेंट के ऊपर अपने में यहाँ पर गया, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। इस तरीके से सिंपल तरीके से आप बटन दबा के वो स्क्रीनशॉट आपके क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है, लेकिन कहीं इसकी फाइल सेव नहीं होती है। आपको फाइल फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में करने के बाद, जैसे कि मैंने इस सॉफ्टवेयर में पेस्ट करा पेंट के अंदर, जब मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो यहाँ से मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ, सेव एज करूँ या सेव करूँ, सेव एज कर लेता हूँ इसको मैं ये PNG फॉर्मेट में, और ये डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इसको सेव कर लिया। देखें, ये मैंने सेव हो गई फाइल और यहाँ डेस्कटॉप पे आ गई। सिंपल मेथड नंबर 2 के ऊपर चलते हैं, प्रिंट स्क्रीन। ये तो आपने करा तो इससे आपको फाइल सेव करना पड़ रही थी, लेकिन अब ऐसा तरीका भी है जिससे आप सिर्फ बटन दबाएंगे और आपकी फाइल एक जगह पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। उसमें क्या करना है, आपने विंडोज प्लस स्क्रीनशॉट करना है, तो ये ब्लैंक स्क्रीन आपकी होगी और ये करने के बाद आपका जो डेस्टिनेशन है वो है पिक्चर्स में जाएंगे आप अपने, आप जो यूज़र है आप उसमें जाएंगे और वहाँ पिक्चर्स में आने के बाद आपने स्क्रीनशॉट का फोल्डर नज़र आ रहा है, यहाँ आएंगे और यहाँ पे देखें ये स्क्रीनशॉट आपका आ गया है जो आपने अभी लिया था, तो ये डायरेक्टली आपका जो है इसमें आके सेव हो जाएगा स्क्रीनशॉट के फोल्डर में। ये बात आप रिमेंबर रखें, पिक्चर्स में हमारे पास स्क्रीनशॉट के फोल्डर में वो डायरेक्टली सेव हो जाएगा। ये विंडोज प्लस स्क्रीन PRTSCR के बटन आप प्रेस करेंगे तो ये था नंबर 2 मेथड। नंबर 3 मेथड ये हमारा, वो भी बहुत सिंपल है। नंबर 3 मेथड में आप अपने टास्क बार में राइट साइड राइट कॉर्नर पे देख रहे होंगे, ये है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन में आप जैसे प्रेस करेंगे तो एक स्क्रीन स्निप का आपके पास ऑप्शन आया है, ये आपने क्लिक करना है तो सिंपल आपके पास एक ये बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आप डिफरेंट तरीके से अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक है रेक्टेंगुलर स्निप, दूसरा है फ्री फॉर्म, तीसरा है आपका विंडो स्नैप और ये है फुल स्क्रीन स्नैप। फुल स्क्रीन लेना तो आप ये प्रेस करिए, अपनी मर्जी से आपने कट निकालना है रेक्टेंगुलर शेप में तो आप ये प्रेस करिए, जैसे कि मैंने ये कट लिया तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया गया। ये कहीं सेव नहीं होता, आपको यहाँ पे इसमें आके इसको सेव करना पड़ेगा इस तरीके से। यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने वहाँ किया था, कॉपी करें डायरेक्ट कहीं पर भी किसी प्रोग्राम में पेस्ट करके इसको सेंड कर दें या फिर सेव कर लें, या डायरेक्ट आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। सेव एज करूँगा मैं यहाँ पे भी और इसको डेस्कटॉप पे जाकर ये मैंने सेव कर लिया, तो देखिए डेस्कटॉप के ऊपर मेरे यहाँ पे सेव हो गया ये। इसके अलावा स्क्रीन एंड स्केच, दरअसल ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका यहाँ पे एक शॉर्टकट है, इस यहाँ से आप इस तरीके से भी आ सकते हैं और डिफरेंट आपका तरीका जो ये है वो ये है कि आप सिंपल अपने कीबोर्ड पर रहते हुए विंडोज शिफ्ट प्लस एस का बटन प्रेस करें तो ये आपका शॉर्टकट इसमें खुल जाएगा और आप जब चाहें इसको ले सकते हैं। फुल स्क्रीन शॉट चाहें तो फुल स्क्रीन शॉट लीजिए, वही देन अगेन वही प्रोसेस है, आप अपनी नोटिफिकेशन में आएंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपके पास यहाँ आ गया होगा, इसको आप यहाँ आने के बाद ये आपके पास हो रहा है, चाहें तो सेव करें चाहें तो कॉपी करें, आप चाहें तो इसी ये एक जो ऐप हमारे को सॉफ्टवेयर विंडोज ने अपना दिया हुआ है ये बहुत अच्छा है। इतना मुख्तलिफ चीज़ें ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ये बॉल पॉइंट यूज़ करें, यहाँ पे ये यूज़ करें या हाईलाइट करना है कुछ आपने, मुख्तलिफ चीज़ें हम यहाँ रूलर भी है और मुख्तलिफ चीज़ें करके आपने स्क्रीनशॉट को बनाकर सेव करके किसी को सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रॉप भी कर सकते हैं अपने स्क्रीनशॉट को, आप इसी में रहते हुए तो मुख्तलिफ चीज़ें जो की जा सकती हैं और बहुत ही बहुत ज़बरदस्त अपना विंडोज़ का ही अपना बिल्टन हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है स्निप एंड स्केच के नाम से, ये आप यूज़ कीजिए, मैंने आपको समझाया, ये आपसे बहुत फ़ायदा देगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। हमारे पास फोर्थ मेथड ये है कि आपने स्निपिंग टूल
सर्च करना है अपना स्निपिंग टूल, ये भी अपना विंडोज का अपना ही सॉफ्टवेयर है। इसमें आपने क्या करना है, अब आप इसमें डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ये आपको मॉड्यूल में मोड में नजर आ रहा होगा, फ्री फॉर्म स्निप लेना है। ये वैसे ही है जैसे हमने स्निप एंड स्केच वाली में देखा है, वैसी ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। या आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेना है, फॉर एग्जाम्पल मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेना चाहता हूँ और तो मैं यहाँ से ऐसे इसको प्रेस करूंगा, मैं इतना लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा इसी सॉफ्टवेयर में ये खुल जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे ही रहते हुए इस पर पेन यूज करना चाहूँ, कुछ ड्रॉ करना चाहूँ, कुछ इरेज करना चाहूँ, तो यहीं पे ही रहता हुआ कर सकता हूँ। और यही ऑप्शन मुझे जहाँ वो वहाँ मिल रहे थे वो यहाँ पर मिलेंगे। मैं कॉपी कर लूँ इसको, डायरेक्ट कहीं पेस्ट करके सेव करना चाहूँ कंट्रोल वी की मदद से, तो वो कर सकता हूँ। सेव करना चाहूँ तो सेव भी कर सकता हूँ। तो ये कुछ पांच तरीके थे जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बआसानी किसी भी एक्सटर्नल या बाहर के सॉफ्टवेयर को यूज किए बगैर। लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कोई दूसरा सॉफ्टवेयर को यूज करना, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए स्क्रीनशॉट लें हम, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर जो सबसे बेहतरीन मुझे लगेगा उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको पेश कर दूंगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले न्यू वीडियोस बनाने की। इसके अलावा मेरी कुछ और वीडियोस हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं, बटन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ या यहाँ कहीं आ रहा होगा, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। कुछ वीडियोस और देखें आप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।